शराब दुकान में रखे शराब के स्टॉक में लगी आग, 4 घंटे में आग पर पाया काबू। नगर के 4 लेन बाईपास में मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे शराब की दुकान में आग भड़क गई। दुकान में धुआं उठता देख मौके पर पहुंचे स्टाफ ने फायर ब्रिगेड और पानी के ट्रक्टरों की मदद से करीब 4 घंटे में आग पर काबू पाया। स्टाफ आगजनी की घटना में लाखों रुपए का नुकसान बता रहा है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार बदरवास नगर के 4 लेन बाईपास के पास सोम डिस्टिलरी कंपनी द्वारा शराब की दुकान का संचालन किया जा रहा है। मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे दुकान से अचानक धुआं उठा तो पड़ोस में ही रहे दुकान को संचालित करने वाले स्टाफ आग की सूचना लोगों द्वारा दी गई। स्टाफ दुकान पर पहुंचा और शटर खोलकर देखा तो दुकान के भीतर गोदाम में रखे शराब के स्टॉक में आग भड़की हुई थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई। सूचना पर नगर परिषद बदरवास की फायर ब्रिगेड सहित पानी के टैंकर मौके पर पहुंचे और करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शराब दुकान के स्टाफ का कहना है कि प्रथम दृष्टता को आगजनी की घटना बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से घटित हुए प्रतीत हो रही है। वहीं आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा। पुलिस ने आगजनी का केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। बदरवास में रामजी लाल बाबा की रिपोर्ट।